कि मैं चाहूंगा कि अगले जन्म में करीना कपूर मेरी बेटी बने। गली शहर मेरे मारो घाघरो जो घूम चोली के पीछे, और बीच में बैकग्राउंड में कुक 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 कुक। ना हाइप क्या था, उतनी अच्छी नहीं थी। अच्छी थी मतलब इतना। तब्बू को पहली बार शायद गाली में सुना। तभी अच्छा है। I think it's worth a watch. कॉमेडी ठीक ठाक है, अच्छी मूवी है, दिल को थाम ले। मुझे मूवी बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयबल लगी। पर इसके पहले मैं रिव्यू दूँ, मैं सिर्फ बबीदा जी को यही बात कहना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि अगले जन्म में करीना कपूर मेरी बेटी बने, क्योंकि वो इतनी टैलेंटेड हैं। शी इज़ द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ब्यूटी, कैंडोर, एलिगेंस एंड ग्रेस। मतलब कि उसमें उनमें टैलेंट के अलावा जो ग्रेस है, जो एलिगेंस है, मुझे पुरानी एक्ट्रेसेस ही आ जाती हैं, जैसे मधुबाला, मीना कुमारी, और इतनी टैलेंटेड वहीदा रहमान। मतलब उनको हम लोग इतने दौर से देख रहे हैं, हर टाइप का उन्होंने रोल किया, इतनी वर्सेटाइल है। तो मैं बबीदा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगले जन्म में उन्हें मुझे मेरी बेटी होने का सौभाग्य दीजिए मुझे। और इसके साथ साथ जितने भी पुराने गाने हैं, गली शहर मेरे मारो घाघरो जो घूम, ईला अरुण का जो हम लोग सुनते सुनते बड़े हुए हैं, या फिर चोली के पीछे, और बीच में बैकग्राउंड में कुक 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 कुक, मतलब इतना मज़ा आता है। और ऐसे इतने सारे मोमेंट्स हैं जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही इन्जॉयबल है। और फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ हो, कब शुरू होगी कब खत्म होगी आपको पता नहीं चलेगा। मनन सागर की एडिटिंग बिल्कुल शार्प है, क्रिस्प है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बढ़िया है, इसके सिनेमेटोग्राफर है अनुज धवन, उनको मैं बोलना चाहूँगा। राजेश कृष्ण का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, और एकता कपूर जिसे हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ लाएंगी। बहुत ही बोल्ड डायलॉग्स भी हैं मूवी में, बट लोगों को बांध के रखेगी। आज गुड फ्राइडे है, लॉट ऑफ पीपल टर्न्ड अप फॉर द मूवी, क्योंकि करीना कपूर बहुत बड़ी स्टार हैं। उन्होंने कृति सैनन और नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर तब्बू को भी ओवरशैडो कर दिया, और मतलब वही छा गई। मतलब तीनों में आपकी और कहीं नज़र ही नहीं जाएगी, करीना कपूर, करीना कपूर, करीना कपूर। और मेरा यही है कि अगले जन्म वो मेरी बेटी बन के पैदा हो, बस यही मेरा ये है। मैं बबीता जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मुझे भी सौभाग्य दीजिए। और मतलब उस टाइम की जितनी भी उस दौर की एक्ट्रेसेस हैं, माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी के बाद आई थिंक शी इज़ अ टॉप स्टार। मुझे एक प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी लगती हैं और एक करीना कपूर, तो हैट्स ऑफ टू हर। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बहुत सारे कंपोजर्स हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग बोर नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ भी जल्दी से खत्म हो जाता है, सेकेंड हाफ, एंड यू जस्ट इन्जॉय द मूवी। वालिया कर दिया, हाँ वही दिखाया गया कि एयरलाइन इंडस्ट्री में कभी किंग फिशर फेल हुई, कभी जेट एवेज और एम्प्लॉयज को क्या सहन, तो एक तरह से वो भी दिखाया गया था व्हाट एम्प्लॉयज हैव टू गो थ्रू। और वो मतलब बहुत अच्छे से दर्शाया गया है कि एक तरह से आप एक सोशल इशू को भी एड्रेस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी है, तो बहुत अच्छा है। और ये दिखाया गया कि बहुत अनसर्टन है लाइफ, कहीं भी कोई भी मोड पे कुछ आ सकता है, बट आप गलत रास्ता मत अपनाइए, ये दिखाया गया है मूवी में। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें सी फिक्टिशियस मूवी, तो वो फिक्शन है, और उसमें जैसे जैसे वो लोगों की आईडीज ले लेती हैं और सब फेक वो बना लेती है, इतना आसानी आजकल एयरपोर्ट्स पे इतनी सिक्योरिटी, हम लोग अब्रॉड भी जाते तो हमारी 10 बार सिक्योरिटी होती है। तो 90s में होता था कि जब लोग ड्रग्स लेके भी चले जाते, लेकिन आजकल एयरपोर्ट में इतनी सिक्योरिटी है, लिक्विड्स अलाउड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है, तो इट इज़ नॉट अलाउड। व्हेन एवर आई गो टू US, कनाडा, यूरोप, इतनी सिक्योरिटी होती है, इतनी सिक्योरिटी होती है। इफ़ यू गो टू UK, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है मुझे लगता है। आई गो विथ 3.5 स्टार। मुझे लगता है कि म्यूज़िक आपने पुराने गाने आइकॉनिक नंबर्स को तो ये कर दिया, और थोड़ी गाने रखने चाहिए थे। और दिलजीत दोसांझ जितने टैलेंटेड एक्टर, मुझे लगता है उनको वेस्ट किया। कपिल शर्मा तो थे नहीं थे पता ही नहीं चला, और राजेश शर्मा भी एक बहुत अच्छे एक्टर, उनको भी यूज़ किया जा सकता था, बट ये तीनों एक्ट्रेसेस छा गई। तब्बू तो है ही वर्सेटाइल, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। कृति सैनन का बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस है, शी लुक्स गॉर्जियस, बट यहाँ पर करीना कपूर बाजी मार गई। थैंक यू। ठीक मूवी थी, मतलब जितना हाइप किया था उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अच्छी थी मूवी। एक बार जो कॉमेडी फैक्टर था वो इतना नहीं था जितना ट्रेलर में दिखाया था, और कपिल शर्मा का थोड़ा ज़्यादा रोल होना चाहिए था और दिलजीत दोसांझ का, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस था मतलब कृति सैनन, तब्बू पे, लेकिन इतनी अच्छी मूवी नहीं थी, ठीक थी। मेरे को करीना कपूर का ज़्यादा अच्छा लगा, और तब्बू का, कृति सैनन का इतना। हाँ लेकिन बोलता बहुत घिसी पीटी स्टोरी थी, स्टोरी में कुछ खास नहीं था, मतलब वो लेके जाते हैं वापस लेके आते हैं, सब कुछ था नहीं स्टोरी में, लेकिन ठीक है, एक्टिंग अच्छी थी सबकी। 3.5। अच्छी थी, इट वॉज नाइस। कृति, तब्बू एंड करीना परफॉर्म्ड वेल, सो वाज अ नाइस मूवी, कॉमेडी ऑल्सो फन।
एंड अच्छी थी, मतलब इतना टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वॉच मूवी इतना, इट वॉज माई सिस्टर्स रिकमेंडेशन सो वी केम फॉर वॉचिंग इट. वेरी ऑनेस्ट अच्छी थी, अब मैं क्या बताऊँ. स्टार्टिंग से एंड बोर नहीं हुआ, वेरी ऑनेस्ट वो था उसके बारे में. ठीक है, तो 4.5. थैंक यू. नाइस नाइस मूवी. आई गेस कॉमेडी है और जो ग्लैमर है वही है उसका मेन. तो या कितनी अलग लगी, अलग इन द सेंस कि मतलब मैंने तब्बू को पहली बार शायद गाली में सुना, आई एम नॉट श्योर. तो वो बट ठीक है, इट्स फाइन. बेस्ट नहीं बोल सकती बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कास्टिंग अपने आप में बहुत अच्छी हुई थी, मतलब तीनों कैरेक्टर के लिए ही मतलब कास्टिंग परफेक्ट थी ऐसा मुझे लगता है. तो करीना कपूर, करीना कपूर, तब्बू इस तब्बू एंड कृति इस कृति. या सॉन्ग बढ़िया बढ़िया बढ़िया. हाँ, सो सॉरी. चोली के पीछे हाँ वो अच्छा है, बट मुझे ऐसा लगता है दूसरे सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं ऐसा. तो जस्ट नॉट चोली के पीछे. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग है नो डाउट. बट सो शायद जो मैसेज हमें चाहिए था आखिरी में वो थोड़ा मिले, बट शायद उतना प्रॉपर नहीं मिला. मतलब आपने मूवी देखी है तो आप रिलेट कर पा रहे होगे ऐसा. तो मुझे लगता है कि मे बी वो शायद हमें वो जो एक सत्यवादी और कुछ चाहिए होता वो तो नहीं मिला फॉर श्योर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अपना सेल्फिश वो वाला आ गया था. बट हाँ एटलीस्ट वो उतना पहुँचा, सो इट्स गुड. 3.5. थैंक यू. सभी अच्छा है. या मूवी वॉज फैंटास्टिक. मूवी में फन था, कॉमेडी था, मीनिंगफुल मूवी थी. और तीनों की, कृति सैनन, तब्बू और करीना का जो कोऑर्डिनेशन था वो काफ़ी हद तक अच्छा था. मुझे तीनों के तीनों बेस्ट लगे. या इंटरवल के बाद, इंटरवल से पहले थोड़ा कॉमेडी कम था, बट इंटरवल के बाद काफ़ी कॉमेडी एंड फन थी, सीरियस भी थी. तो इट वाज टोटली फन मूवी. या लाइक इट्स गुड, अच्छी है स्टोरी लाइन. फोर. वो एक मार्क कहाँ पर कम किया, लाइक फर्स्ट पार्ट थोड़ा इनिशियली थोड़ा स्लो था, बट धीरे 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 वो इंटरेस्टिंग बन गई स्टोरी काफ़ी. इट वॉज नाइस. आई थिंक द थ्री ऑफ देम हैव एक्टेड वेरी वेल, सो आई थिंक इट्स वर्थ अ वॉच. ऑल थ्री ऑफ देम आर गुड. काफ़ी हंसा. इट इज गुड. आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, सो इट्स नाइस. ला सकते तो अच्छा था. थैंक यू. आउट ऑफ 5, 4.5. थैंक यू. अच्छी लगी मूवी, काफ़ी अच्छी लगी. कॉन्सेप्ट अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, ओवरऑल गुड मूवी. अच्छा हंसाया, गुड मूवी, गुड लाफ्टर, एप्रोप्रिएट मोमेंट पे लाफ्टर था, वो सबसे अच्छा लगा हमें. इंटरेस्टिंग तो है, पॉसिबल है, बट लीगल रेमेडीज ज़्यादा इफेक्टिव होंगे. मे बी इट्स अ पॉइंट ऑफ फिक्शन, बट हाँ लीगल ज़्यादा अच्छा जाएगा. और रियल लाइफ में हो जाए तो बहुत ही अच्छा जाएगा. 4.5. थैंक यू. थैंक यू. मूवी देखिए इंटरटेनमेंट फुल है इसमें. इंटरवल के पहले बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट है, इंटरवल के बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है. और मतलब जो नहीं बनने, जो असंभव है उसको ये लोग संभव कर देते हैं, तो थोड़ा ओड लगता है. लेकिन अब पिक्चर ही ऐसी है, इंटरटेनमेंट ही है, और इंटरटेनमेंट करने आए हैं तो अच्छी लगी. देखिए तीनों का रोल अच्छा है, किसी को ऊपर दर्जा देना है, किसी को नीचे दर्जा देना ऐसा नहीं है, तीनों ने इक्वल रोल किया. हाँ, गाने पुराने जो चोली के पीछे किया है, एक लास्ट वाला गाना है, वो सब रिमिक्स है, लेकिन अच्छा. हाँ नहीं, वही तो, वही जरा भी तर्क नहीं है ये,
कि हम लोग विजय वाले को पकड़ के ले आए और सोना भी ले आए, लेकिन अब ये हंसी मजाक है, इंटरटेनमेंट है तो दिखाया है। बाकी जेट एयरवेज और ये दो तीन जो हुआ सब किंगफिशर और इन लोग की जो हालत हुई और बैंकरप्ट हुए, उनकी 4000 फैमिलियों की पैसा पगार नहीं मिला, ये सब थोड़ा दिखाया जो वास्तविक है। कॉमेडी ठीक ठाक है, अब कॉमेडी कितना लाएंगे। अच्छा, दूसरी बात के डायलॉग्स थोड़े से डबल मीनिंग वाले भी दिए हैं और ठीक है पिक्चर। आउट ऑफ 5 मेरे हिसाब से 3.5 स्टार बनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्टोरी में तो कुछ है नहीं। एक नया कॉन्सेप्ट लाया कि भाई स्मगलिंग इस तरह होती है और चॉकलेट में बना के ना सोना जाता है, वो दिखाया, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। अच्छी मूवी है, दिल को थाम ले, क्रू गला रही है। तीनों में से आपको कौन पसंद आई? तीनों अच्छी है और तीनों का रोल अच्छा है, फुल्ली एंटरटेनमेंट है, 100% में। जिस तरह से इसमें गाना भी रिमिक्स किया चोली के पीछे का, हाँ वो बताया, कॉमेडी दिखाया गया, कितना हंस पाए पिक्चर में? 100% एंटरटेनमेंट है तो देखने में मजा आएगा। ऐसा वही तीनों जो एयरलाइंस बैंकरप्ट हो गई थी उसका दिखाया है, वो अच्छा दिखाया है। वो किंग फिशर थी, जेट एयरवेज थी, एयर इंडिया थी, सब डूब रही थी, अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया। आउट ऑफ 5 4।